Good morning, class. This is our new pathology class. This is our last topic of body fluid examination, in which today we will examine the pericardial fluid. As the name indicate, pericardial fluid, pericardial sac, yani heart ke charon taraf paya jayega. Ye plasma ka ultra filtrate hota hai jo pericardial sac mein paya jata hai. और ये विसरल और पैराइटल लेयर जो पेरिकार्डियम की विसरल पैराइटल लेयर है उसको ल्यूब्रिकेट करता है. इसमें स्पेस में 15 से 50 ml तक का थिन क्लियर स्ट्रो कलर का फ्लूड पाया जाता है जिसको अपन पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं. इसको निकालने के मेथड को अपन पेरिकार्डियोसेंटेसिस कहते हैं. इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से ये एनरिच्ड रहता है जो कि मायोकार्डियल इंटरस्टिशियल फ्लूड से आते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह से आ रहे होते हैं. मॉलिक्यूल्स में काफ़ी सारे पाए जाते होते हैं. पेरिकार्डियल फ्लूड अगर एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाता है किसी फ्लूड ड्रेनेज के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से, पेरिकार्डियम में इंसल्ट की वजह से, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, किसी को सिस्टमिक या ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से हो गया हो, किसी ड्रग की वजह से या किसी और पर्टिकुलर प्रोसीजर की वजह से, सेकेंडरली ये क्या है कि एक्सेस में जो पेरिकार्डियल फ्लूड है वो इकट्ठा हो सकता है. अब पेरिकार्डियल इफ्यूज़न की इटियोलॉजी देखिए भाई, क्यों ऐसा इकट्ठा हो जाता है. तो वैसे तो हालांकि ये इडियोपैथिक होता है, इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस किसी को पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो गया और जो समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस, नाइजीरिया, क्लेमाइडिया, इन सारे बैक्टीरिया, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से जो कि आजकल डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है, या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जैसे कॉक्सेकी वायरस ए, कॉक्सेकी टू, इको वायरस, एडीनो वायरस, HIV का इन्फेक्शन हो जाए तब भी पेरिकार्डियल इफ्यूज़न देखने को मिलता है. फंगाई का इन्फेक्शन जैसे एस्परजिलस, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइकोसिस या कोकीडियोडोमाइकोसिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है. किसी प्रोटोजोआ जैसे इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसस, अमीबाइसिस एंटामीबा का अगर इन्फेक्शन जाए, टॉक्सोप्लाज्मोसिस टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो जाए, या किसी कैंसर की वजह से हो सकता है जिसमें मेटास्टासिस हो सकता है, या पैरानियोप्लास्टिक कैंसर ब्रेस्ट का, लंग का, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हो गया हो और वो वहाँ हार्ट तक पहुँच गया हो. प्राइमरी टेराटोमा हो सकता है. टेराटोमा क्या चीज़ है भाई, ये भी कैंसर की एक फॉर्म है. उन ऑर्गन्स में जिसमें मोर देन वन जर्म लेयर होती है उसके ट्यूमर को अपन टेराटोमा कहते हैं, या लाइपोमा हो सकता है, एंजियोमा हो सकता है, या रेबडोमायोसार्कोमा की वजह से हो सकता है. ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ किसी को हुई हो तब भी पेरिकार्डियल इफ्यूज़न हो सकता है. अब इन कंडीशंस में अब टेस्ट तो वही है जो अपन अभी तक जितने पढ़े थे उनमें जो आ रहे थे, वही फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. माइक्रोस्कोपिक में आप जानते हो भाई अपन सेल्स की काउंटिंग को देख रहे होते हैं, तो WBC काउंटिंग अगर आपको बढ़ी हुई दिख रही है, अगर ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ गया कितना, 10,000 पर माइक्रोलीटर से भी अगर ज़्यादा हो गया है, और उसमें भी न्यूट्रोफिल अगर आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब हो सकता है पर्सन को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, र्यूमेटिक कारण भी हो सकता है. मोनोसाइट का काउंट अगर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो मैलिग्नेंट इफ्यूज़न को वो इंडिकेट करेगा. मिक्सीडीमा है तो उसमें WBC अकाउंट लो हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा आपके WBC अकाउंट लो हो रहा है इसका मतलब मिक्सीडीमा हुआ है. या पेरिकार्डियल ADA की एक्टिविटी आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो वो TB पेरिकार्डाइटिस को इंडिकेट करेगी, ट्यूबरक्यूलोसिस के साथ में पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन. और अगर पेरिकार्डियल इफ्यूज़न का लो रेशियो दिखाई दे रहा है सीरम ग्लूकोज के साथ में तो वो इन्फेक्शन को सजेस्ट करता है. ये लो रेशियो के साथ में अगर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है पेरिकार्डियल फ्लूड में तो इसका मतलब बैक्टीरियल पेरिकार्डियल इफ्यूज़न हुआ है. अब रूटीन पैनल्स ये अपन वो करने हैं भाई, सेल काउंट कर सकते हो जिसमें TLC और DLC दोनों की जाती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. ग्लूकोज लेवल को वही बेंडिक टेस्ट लगा करके देख लीजिए, टोटल प्रोटीन एसिटिक एसिड टेस्ट और नाइट्रिक एसिड टेस्ट के थ्रू देख सकते हो. पेरिकार्डियल फ्लूड में LDH को चेक कर सकते हो. सीरम कॉम्प्लीमेंट में एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA या RF
रूमेटॉइड फैक्टर, एना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, इन सब को भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग और कल्चर कर सकते हो। 3 कल्चर बॉटल्स आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड के साथ में ग्रो करके देखनी होगी। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि कोई मैलिग्नेंसी है। ट्यूमर मार्कर कर सकते हो अगर मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट है तो। एडीनोसिन डीअमिनेज का टेस्ट कर सकते हो अगर टीबी सस्पेक्टेड है तो। पीसीआर लगा सकते हो टीबी के लिए, तो पीसीआर भी बहुत अच्छी है आजकल। अपन आरटीपीसीआर काम में ले रहे हैं ना कोरोना के लिए, ये नॉर्मल पीसीआर है। पेरिकार्डियल इंटरफेरॉन गामा अगर टीबी सस्पेक्ट हो रहा है तो ये भी देख सकते हो आप। वायरस के लिए कल्चर लगा सकते हो मॉलिक्यूलर एनालिसिस में। बैक्टीरियोलॉजिकल वायरल या फंगल एजेंट के लिए पीसीआर लगा सकते हो, या बी टाइप नैट्री यूरेटिक पैप्टाइड BNP भी आप कर सकते हो। तो यहाँ सब सीधे सीधे हमने नाम बताए, प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि हमने इसे पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ लिया था, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इतना काफ़ी है, एग्जाम में आए तो आप वही वाली चीज़ें उठा करके यहाँ पर लिखते रहिएगा बस। इसके साथ ये टॉपिक भी आपका एकदम छुटका सा टॉपिक ख़त्म। कोई डाउट हो, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, तो आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। आप अपने CR को व्हाट्सअप कर दीजिए, CR के थ्रू मेरे तक आपके क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे, तो आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।